पास्कल्स लॉ इंपॉर्टेंट लॉ है। तो पास्कल लॉ एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी, और कहता क्या है, ऐसे लिखना है आपने, इट स्टेट्स दैट इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड। तो एनक्लोज्ड फ्लूइड का मतलब किसी कंटेनर में बिल्कुल फुल पड़ा हुआ है फ्लूइड। इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड इफ एन इंक्रीज प्रेशर इज प्रोड्यूस इन एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड, तो किसी भी फ्लूइड के कोने पे अगर आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, देन दिस चेंज इन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द फ्लूइड। तो कह रहे हैं ये जो आपने प्रेशर बढ़ाया ना, ये पूरे फ्लूइड में बिल्कुल बिना कम हुए, डिमिनिश्ड अनडिमिनिश्ड बिल्कुल कम हुए बिना इक्वली ट्रांसफर हो जाता है पूरी वॉल्स ऑफ कंटेनर पे। कैसे, मैं दिखाता हूं। जैसे सपोज करो, ये एग्जांपल है, सपोज करो आपके पास एक फ्लूइड है और ये बिल्कुल बंद कंटेनर पे आपने रख दिया। यहां आपने आपने एक्सपेरिमेंट के लिए पिस्टन लगा दिए। तो ये पिस्टन है जिसकी, ये पिस्टन है और इसका एरिया ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। यहां पिस्टन का एरिया 2a है, यहां पिस्टन का एरिया a by 2 है। तो आपने क्या किया, आप ये बंद पड़े हैं बिल्कुल, आपने एक पिस्टन को दबा दिया, इसको कंप्रेस किया, मान लो इसको, तो आपने इसको दबा दिया, तो आपने प्रेशर लगाया, बोलो आपने कितना प्रेशर लगाया, फोर्स बाय एरिया। अब वो पिस्टन ऊपर हवा में उठेंगे क्योंकि पानी वहां से खुलेगा, मतलब यहां से प्रेशर लगेगा, जाएगा कहां, यहां पे जोर लगाएगा, तो यहां पे जोर लगाएगा, पिस्टन ऊपर उठेंगे। जब पिस्टन ऊपर उठेंगे, अगर आप चाहते हो कि पिस्टन ऊपर ना उठें, तो आपको क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी रोकने के लिए। तो जिसका एरिया 2a है वहां आपको फोर्स ट्वाइस लगानी पड़ेगी, और जिसका एरिया a बाई 2 है वहां पर f बाई 2 लगानी पड़ेगी, ताकि प्रेशर की वैल्यू क्या रहे, सेम। आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हो कि अगर आपने जो प्रेशर है सिर्फ एक कोने पर लगाया और वो प्रेशर वॉल के हर कंटेनर पे विल रिमेन सेम, बराबर प्रेशर जाएगा पूरे कंटेनर के ऊपर, जहां मर्जी चेक कर लेना। वही गुब्बारे वाला एग्जांपल है, आपने क्या किया, वो बैलून लिया, एक तरफ से प्रेस किया, 10 होल कर रखे हैं, तो देखो पूरा पूरा प्रेशर दिखेगा आपको उसमें से, और बराबर उसमें जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्या है पास्कल्स लॉ। ठीक, पास्कल लॉ के लिए एक और चीज इस चैप्टर में, डेंसिटी वाटर की कभी दी नहीं होती, अगर नहीं भी दी तो याद रखना डेंसिटी ऑफ वाटर एसआई में 1000 है और सीजीएस में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसे फॉर्मूला बुकलेट में स्टैंडर्ड नोट कर लें, डेंसिटी ऑफ वाटर। वैसे आपको याद भी होगी मेरे ख्याल से, याद है। ठीक, और एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ में अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या आप एक गाड़ी को उठा सकते हैं, कार को, आप कहीं नहीं उठा नहीं सकते, लेकिन आप पास्कल लॉ से उसको एक हाथ से उठा सकते हैं। कैसे, हाइड्रोलिक लिफ्ट से। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, ध्यान से देखो, हाइड्रोलिक लिफ्ट में एक पाइप बिछा दी जाती है कुछ ऐसे, और इसमें बिल्कुल एक ऑयल, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ऑयल, अनकंप्रेस, जो कंप्रेस नहीं हो सकता, या वाटर, कोई भी फ्लूइड डाल दिया जो भरा पड़ा है। आपने एक पिस्टन यहाँ लगाया और एक पिस्टन यहाँ लगाया, इसके ऊपर गाड़ी रख दी। अब क्या किया आपने, जो जहाँ फोर्स लगानी है अपने हाथ से, उसका एरिया आपने स्मॉल ए लिया, और फोर्स कितनी लगाई, एफ, तो आपने प्रेशर क्या लगाया, एफ बाय ए। और ये प्रेशर कहाँ गया, यहाँ जाएगा प्रेशर। तो जब ये प्रेशर यहाँ जाएगा, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया ए है, और फोर्स कितनी ट्रांसफर हो जाएगी आपके प्रेशर की वजह से, मान लो कैपिटल एफ। ये मैंने नहीं लगाई, ये तो मैंने तो इस तरफ फोर्स लगाई, पर प्रेशर की वजह से उस लोड पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगी कैपिटल एफ। और पास्कल लॉ क्या कहता है कि प्रेशर की वैल्यू दोनों एंड पर क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम। तो यानी कि इस गाड़ी पे फोर्स लगी क्या, ये फोर्स लगी, चेक करो। अब इमेजिन करो एक मिनट के लिए, ये ट्यूब आपने बनानी है, आपने इसका एरिया रख लिया 1000 मीटर स्क्वायर और इसका रख लिया 1, इमेजिन कुछ भी वैल्यू, तो सोचो आपकी फोर्स कितनी लग रही है। आप यहां से सिर्फ 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, सिर्फ 1 न्यूटन, और आपकी फोर्स वहां कितनी टाइम्स ज्यादा हो रही है, 1000। आप 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे हल्की सी, 10000 न्यूटन फोर्स लगेगी, तो कोई भी गाड़ी उठ जाएगी। जस्ट एरिया को चेंज करके फोर्स की वैल्यू कम या ज़्यादा किया जा सकता है। आइडिया समझ में आ रहा है पास्कल लॉ कैसे काम करता है। तो इसके अंदर यही बताया हुआ है कि f बाय f की रेशियो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके a बाय a के इक्वल है, क्योंकि बड़ा a छोटे a से बड़ा है, तो कैपिटल f की वैल्यू स्मॉल f से बड़ी है। वो कितने टाइम करनी है वो आपके एरिया पर डिपेंडेंट है। तो क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है।